Hello everyone, welcome to my new video. So today in this video we'll talk about chapter acids, bases and salts of class 10th ICSE. मैंने क्लास 10th ICSE का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी ऑलरेडी बना दिया. सो जिसने भी वो चैप्टर नहीं देखा तो आप वो चैप्टर भी देख लो ताकि आपको वो चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे एसिड्स की, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे बेसिस एंड सॉल्ट्स की. आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स. हमने लोअर क्लासेस में किया था एसिड्स क्या होते हैं. एसिड्स लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड्स, ये है एसिड्स. ठीक है, और एसिड्स का जो टेस्ट होता है वो सॉल्ट टेस्ट होता है, खट्टा सा. इसी वजह से कुछ फ्रूट्स का जो टेस्ट होता है वो खट्टा सा होता है. क्यों? बिकॉज उनमें कुछ अमाउंट एसिड्स की होती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड्स के एग्जैक्टली क्लास 10th में क्या है एसिड्स. अब एसिड्स क्या हैं? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच फर्निशेज और विच गिव्स H+ आयंस और हाइड्रोनियम आयन ऑन रिएक्शन विद वाटर. एसिड्स वो सब्सटेंस हैं जो H+ आयंस देते हैं और हाइड्रोनियम आयन देते हैं पानी के साथ रिएक्ट करके. ठीक है, जैसे कि H+ आयन है, H+ आयन ये जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो ये क्या करेगा, ये पानी के साथ कंबाइंड हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते तो ये क्या करेगा, पानी के साथ कंबाइंड फॉर्म में कंबाइंड हो जाएगा और फॉर्म करेगा हाइड्रोनियम आयन. ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस एसिड्स का. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, लाइक HCl, H2SO4. अब HCl की अगर हम बात करें, अगर हम HCl पानी में डिसॉल्व करें, और एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ड्राई एसिड्स होते हैं वो कभी भी H+ आयंस प्रोड्यूस या रिलीज नहीं करते. कभी भी ड्राई एसिड्स H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस नहीं करते, सिर्फ अगर हम उनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तभी वो कर पाएंगे. तो अब हम HCl को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो H2 है इस H के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, H2 हाइड्रोनियम आयन H3O+ प्लस ये जो Cl-. ठीक है, ये देखो जब पानी में डिसॉल्व हुआ तो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किया. ठीक है, तो ये क्या है हमारा एसिड. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं H2SO4 की. जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोनियम आयन और HS4-. ठीक है, तो ये भी क्या है, एसिड. H2SO4 और HCl और भी काफ़ी एग्जांपल्स ने एसिड्स की. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स की. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स भी एक तो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स. और इनऑर्गेनिक एसिड्स का जो दूसरा नेम है वो है मिनरल एसिड्स. ठीक है, क्या है, मिनरल एसिड्स. सो पहले हम बात करेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो यूजली हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से. ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स. ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हम प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स. ठीक है, और इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स ये यूजली ऑब्टेन होते हैं यूजली ऑब्टेंड फ्रॉम मिनरल्स. ठीक है, ये ऑब्टेंड होते हैं मिनरल्स से, इनऑर्गेनिक एसिड्स obtained from minerals. और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये कार्बन बेस्ड एसिड्स होते हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड एसिड्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की, लाइक ऑक्सैलिक एसिड C(OH)2. ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड्स लाइक फॉर्मिक एसिड HC(OH)। ठीक है, अब इसमें देखो कार्बन की प्रेजेंस है ना कार्बन की, तो ये क्या है, कार्बन बेस्ड. इनऑर्गेनिक की अगर बात, ये क्या है, ये नॉन कार्बन बेस्ड हैं.
नॉन कार्बन बेस्ड। और इनऑर्गेनिक एसिड्स में एक एक्सेप्शन केस है, वो है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड लाइक H2CO3, अब इसमें क्या है, इसमें कार्बन की प्रेजेंस है, बट ये फिर भी इनऑर्गेनिक एसिड है। ये है एक्सेप्शन इनऑर्गेनिक एसिड की, एक इसमें कार्बन है और इसमें ये क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये है हमारा एक्सेप्शन केस, तो आप इसको याद रखना, एक्सेप्शन केस है ये हमारा। इसमें बिकॉज कार्बन की प्रेजेंस है तो फिर भी ये इनऑर्गेनिक एसिड्स है, बट एक्चुअल में ये जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो नॉन कार्बन बेस होते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें इनऑर्गेनिक एसिड्स की, लाइक H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें देखो कार्बन की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक है, ये क्या है, नॉन कार्बन बेस्ड। बट इसमें जो एक्सेप्शन केस है दैट इज़ कार्बोनिक एसिड, उसको आप ध्यान से रखना, ये एक्सेप्शन केस है, ये फिर भी इनऑर्गेनिक एसिड है। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो होते हैं वीक एसिड्स, क्यों, बिकॉज वो वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते। ठीक है, कम्प्लीटली आयनाइज वो नहीं हो पाते पानी में। ठीक है, अगर वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते तो क्या फॉर्म करते हैं, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, आयन्स और मोल्स लिख रही हूँ मैं, मोल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। बट जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, क्या होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बिकॉज ये पानी में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या फिर प्रोड्यूस करते हैं, जब पानी में डिसोसिएट होते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये कुछ तीन पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेना। अब हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स की और हाइड्रो एसिड्स की। अब ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सी एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन को अलॉन्ग विद हाइड्रोजन या फिर कोई और एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, ऑक्सी है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसमें भी देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ठीक है, H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होनी चाहिए अलॉन्ग विद हाइड्रोजन। इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रो एसिड्स। हाइड्रो एसिड्स क्या होते हैं, अब HY हाई से पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी बट ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी। हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी अलॉन्ग विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब ये जो क्लोरीन है ये क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। ठीक है, और हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए बिकॉज हाइड्रो एसिड्स हैं। ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन भी होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑक्सीजन, ऑक्सी एसिड्स में ऑक्सीजन तो होना ही होना चाहिए अलॉन्ग विद हाइड्रोजन और कुछ अदर एलिमेंट्स। और हाइड्रो एसिड्स में ज़्यादा प्रेजेंस हाइड्रोजन की तो होनी ही चाहिए अलॉन्ग विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी। डिपेंडिंग ऑन देयर बेसिसिटी मीन्स जो एसिड्स की जो बेसिसिटी उसके बारे में अब हम बात करेंगे, बेसिसिटी के बारे में एसिड्स की। अब पहले बात आती है कि बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आयनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट एसिड इन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन मींस वाटर सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन मींस वाटर सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिसिटी वो होती है जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स प्रोड्यूस होंगे जब एसिड वाटर में रिएक्ट करेगा। जब एसिड
वाटर से रिएक्ट करेगा, जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म होंगे उसे हम बोलेंगे बेसिसिटी। और बेसिसिटी जो होती है वो थ्री टाइप्स की होती है बेसिसिटी। फर्स्ट वन इज योर मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड्स, ठीक है। सेकेंड वन इज योर डायबेसिक एसिड्स, और जो थर्ड होती है वो होती है ट्राइबेसिक एसिड्स। तीन तरह की बेसिसिटी होती है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक। मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स वन, डाई का मतलब मीन्स टू, ट्राई का मतलब मीन्स थ्री। सो सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोबेसिक एसिड्स की। अब मोनोबेसिक एसिड्स वो होते हैं जब वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा जब एसिड पानी से रिएक्ट करेगा। वन हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा जब एसिड पानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर हम एग्जांपल लें, HCl जब हम इसको पानी में ऐड करेंगे, एसिड्स को जब हम पानी में ऐड करेंगे तो जितने भी मींस वन नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, हमारा मोनोबेसिक। तो ये क्या फॉर्म करेगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन और Cl-, ठीक है। ये है हमारी मोनोबेसिक एसिड्स की एग्जांपल HCl। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक HNO3, ठीक है। अब हमने लोअर क्लासेस में किया था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सपोज HCl ही की एग्जांपल लेते हैं, जब हम बेस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा एसिड और ये है हमारा बेस। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, वाटर और सॉल्ट, क्या फॉर्म होगा, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस H2O वाटर, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट, बिकॉज ये जो मोनोबेसिक एसिड है ये एक ही स्टेप में आयनाइज हो गया, तो इसमें कौन सा सॉल्ट फॉर्म होगा, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट थिंग, सपोज लाइक एसिटिक एसिड है CH3COOH, इसमें चार हाइड्रोजन है, तीन ये और एक ये, टोटल चार है। इसका मतलब ये नहीं कि ये चार ही हाइड्रोजन हाइड्रोनियम आयन्स फॉर्म करेंगे बिकॉज इसके पास चार हाइड्रोजन एटम्स है, नहीं, इसके पास ये जो फॉर्म होगा ये मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है। बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये आयनाइज होगा सिर्फ एक हाइड्रोनियम आयन को लिब्रेट करके,